कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला में अपने घर में एक संदिग्ध व्यक्ति के घुसने का दावा किया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज मेरे घर की छत पर ग्रे कंबल में लिपटे एक अज्ञात संदिग्ध व्यक्ति को करीब 7 बजे मैंने देखा। जैसे ही मेरे नौकर ने अलार्म बजाया और मदद के लिए पुकारा, लेकिन वह तुरंत भाग निकला। पंजाब पुलिस के DGP से बात की है और SSP पटियाला को भी सूचना दी है। इसके बाद उन्होंने CM भगवंत मान को टैग करते हुए लिखा है कि सुरक्षा में ये चूक मुझे पंजाब के लिए आवाज उठाने से नहीं रोक पाएगी। उनका यह ट्वीट उसे चेतावनी के एक हफ्ते बाद आया, जिसमें नवजोत कौर ने अपने पति सिद्धू की सुरक्षा को लेकर CM भगवंत मान पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा कम किए जाने पर उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर ने 11 अप्रैल को पंजाब सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर CM भगवंत मान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उनके पति को कुछ होता है तो वे सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। उन्होंने लिखा था कि पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री, मेरे पति एक ऐसे नेता हैं जिनके बहुत समर्थक हैं। पंजाब के प्रति अपने प्रेम के कारण वे दिन रात यात्रा कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के एक बयान में उनका जिक्र होने के बावजूद आपने उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी। आप किसी भी नुकसान के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।